एक था वहाँ सर, वो मेरी हड्डी हट रही है। आप लोगों का और ये जो रोड सेफ्टी जो मंथ मनाया जा रहा है, ये थ्रू आउट इंडिया में मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये यूटी जो जे एंड के हैं उसमें भी मनाया जा रहा है और रूरल जो एरिया है हमारा, उस हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने टच करना है। और मैंने हदायतें दे रखी अपने डी वाई एस पीज को, जितने भी मेरे अहदेदार हैं वहाँ पे, उन सबको कि ये वाला जो है ये शुद्ध मत से हम लोग मनाएंगे और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे ड्राइवर हजरात हैं, कम्यूटर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको भी, और इसमें स्टूडेंट्स भी कई जगहों पर और एन जी ओज भी हैं और काफ़ी जितनी भी इनकी बॉडीज रहती हैं, और ए आर टी ओ साहिबान जो है एम वी डी के मुलाजमीन हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस का एक वो प्रोग्राम चलेगा और थ्रू अवेयरनेस इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये कर पाएंगे। मेन मुद्दा और मेन थ्रस्ट जो रहेगा हमारा कि एक इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स और फैटलिटी को रोकना, और ये जो रोड सेफ्टी जो मंथ है ये इसी संदर्भ में मनाया जा रहा है और इसका मेन जो थ्रस्ट और मेन और मोटिव जो है वो यही है कि हम लोग एक्सीडेंट जो वक्तन पर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना और उनकी जो शिद्दत है उनको कम करना और उनकी इंटेंसिटी को कम करना। ये तभी हो सकता है जब हमारे जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात, जो भी हम लोग इनको अवेयरनेस प्रोग्राम में बताएंगे, जो भी बातें इनसे बात करेंगे, उनकी हदायतों पे अगर वो चलना एक मुनासिब समझेंगे, और उनको समझना भी चाहिए, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी हम लोग इनको बता रहे हैं, तभी जाके हमारी इंटेंसिटी अब जो ये जो हमारा जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और प्लस इनको ये भी मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक तो ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड जो है दो एक कारण मेरे हिसाब से बनते हैं जो कि एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, और इसको रोकथाम करना ये इन्हीं की जिम्मेवारी रहती है। प्लस और हमारे जो हमारे ऑफिशल्स हैं वो इन्फोर्समेंट में, चेकिंग में, रेगुलेशन में वो पेश हैं, और उनकी भी एक जिम्मेवारी रहती है कि वो लोग चेक करेंगे कि ओवरलोडिंग का जो मेयार है, जो ओवरलोडिंग की जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म करें, ओवरलोडिंग जो है ज़ीरो टॉलरेंस जो हमारा एक मिशन है वो हम लोग रखेंगे, और आने वाले दिनों में बहुत सख्ती से पेश आएंगे जो भी नाफरमानी कर रहे हैं और जो भी इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग चलान भी करेंगे, एवन उनके खिलाफ हम लोग डीएल कैंसिलेशन और आरसी कैंसिलेशन के भी लिख रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जिसके भी चलान तीन से ज़्यादा ओवरलोडिंग है और बाकी वॉलेशन में है, उनका हम लोग डीएल कैंसिलेशन के लिए काफ़ी मेगा लेवल पे हम लोग लिख रहे हैं और वो ख़त्म भी करना चाहते हैं हम लोग। हाँ, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कोई तीन चार दिन से हम लोगों ने कम से कम कोई 100 से ज़्यादा हम लोगों ने गाड़ियाँ सीज़ की हैं, यही ओवरलोडिंग जो कर रही हैं और बाकी जो वॉलेशंस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले भी ड्राइव करते आ रहे हैं, और कम से कम ओवरलोडिंग में ही हम लोगों ने 42,000 से ज़्यादा चलान अब तक किए हैं, और जिस गाड़ी के भी 9 चलान हुए थे, और इस गाड़ी की डीएल के लिए भी हम लोगों ने आरटीओ साहब का लिखा हुआ है। और बाकी मेरे आपसे माध्यम से यही एक एडवाइस भी है और मेरी एक मौजे तौर पर एक इनसे इल्तिजा भी है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं या फिर कम्यूटर्स हैं जहाँ पे पैसेंजर भी बैठते हैं, वो ओवरलोड लोडेड गाड़ी में ना बैठें, ये पैसेंजर के लिए और ड्राइवर्स के लिए यही मेरी हदायतें हैं और मेरी एडवाइस है कि आप अगर आपका इंटेक 8 या 9 है, उसके अलावा एक भी सवारी ना बैठाएं, क्योंकि आपने देखा ही है कि जब भी अगर आपकी सवारियाँ 11 या 12 या ज़्यादा होती हैं वही एक कारण रहता है। और प्लस जो स्पीड है, क्योंकि हमारे रोड्स उस लायक नहीं है कि हम लोग 70 या 80 की स्पीड में चलाएंगे, स्पीड का लिमिट आप लोगों ने रखना है और ओवरलोडिंग को कटेल करना है। ये जो हम लोग ये भी एक हमारा एक ये रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हदायतें दे रखी हैं, जो भी अनरजिस्टर्ड यहाँ पे सुमो स्टैंड हैं उनके ऊपर हम लोगों ने गाज गिरानी है और वो भी ख़त्म करने हैं। और जितने भी अनरजिस्टर्ड सुमो स्टैंड के जितने भी अहदेदार हैं उनसे मेरी एक एडवाइस है कि वो आप आरटीओ दफ्तर में जाएँ, जो भी हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके पास जाएँ और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ, तभी जाके आपको गाड़ी हम लोग उस स्टैंड में चलाने देंगे। शुक्रिया, थैंक यू।